दिस वीडियो इज को-स्पॉन्सर्ड बाय पल्लवी टेस्ट अफेयर। नमस्कार, मी अश्विनी, प्रादेशिक बातमीपत्रात आपणा सर्वांचं स्वागत करते। नजर टाकूयात राज्यातील काही ठराविक घडामोडींवर। भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर किरीट सोमय्या हे सध्या नॉट रिचेबल आहे। त्यात किरीट सोमय्या यांच्या निवासी कार्यालयाबाहेर असलेल्या रस्त्यावर भाग सोमय्या भाग अशी वाक्य लिहिलेली आहेत। रात्रीच्या वेळी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर येऊन काही अज्ञातांनी ही वाक्य लिहिली आहे आणि त्यानंतर पोलिसांनी ही वाक्य पेनच्या सहाय्याने पुसण्याचा प्रयत्न देखील केला। दरम्यान हे कृत्य नेमकं कोणी केलं याचा शोध पोलीस घेत आहेत। दरम्यान भाजप नेते मिहिर कोटेचा यांनी किरीट सोमय्या यांच्या कुटुंबियांशी भेट घेतली आणि यावेळी हे प्रकरण न्यायालयामध्ये आहे, त्यामुळे बोलणं योग्य ठरणार नाही, पळून जाणारे किरीट सोमय्या नाही, या संपूर्ण प्रकरणी काय खरं आणि काय खोटं हे समजेल असे कोटेचा म्हणालेत। वळ्या पुढच्या बातमीकडे। समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी मुंबईमध्ये केलेल्या वक्तव्यावर मनसे आमदार राजू पाटील यांनी उत्तर दिलंय। मनसे आमदार राजू पाटील यांनी अबू आझमी यांना खुलं आवाहन देत सांगितलंय की टाका दम असेल तर टाकूनच बघा, असं म्हणत एक प्रकारे सज्जड दमच दिल्याचं दिसून येतंय। मशिदींवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यांवरून सपाचे आमदार अबू आझमी यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर जहरी टीका केली आहे। राज ठाकरे यांना अटक करून तुरुंगामध्ये टाका अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमींनी केलेली। आमदार अबू आझमी यांनी काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांची भेट घेतली होती, यावेळी त्यांनी ही मागणी केली होती। आता यालाच उत्तर देत मनसे आमदार राजू पाटील यांनी अबू आझमी यांना सज्जड दम भरत आणि आव्हान देत सांगितलंय की टाका, दम असेल तर टाकूनच बघा। मनसे आमदार राजू पाटील हे दिव्यामध्ये उपोषणकर्त्यांची भेट घेण्यासाठी आले होते, तेव्हा पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देत आझमी यांना आवाहन केलंय। आणि जमिनीशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणामध्ये 3 गुन्हे दाखल असल्यामुळे डॉक्टर सतीश उके आणि त्यांचे भाऊ प्रदीप उके यांना अटक करण्यात आली। या प्रकरणी न्यायालयानं आज उके बंधूंना 26 एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे। या प्रकरणी उके यांना न्यायालयामध्ये आज हजर करण्यात आलं होतं। INS विक्रांत निधी अपहरणाप्रकरणी अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर नॉट रिचेबल असलेल्या भाजप नेते किरीट सोमय्या यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आलेली आहे। या कथित घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागणार असल्याचं किरीट सोमय्या यांनी म्हटलंय। शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणी आरोप केलेले आहेत, मात्र कोणतेही पुरावे दिले नसल्याचा पुनरुच्चार सोमय्या यांनी केलेला आहे। तसंच ठाकरे सरकारमधील घोटाळेबाजांना धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असा इशाराही सोमय्या यांनी यावेळी दिलाय। 2013 दिसंबर में उस समय की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने विक्रांत युद्ध नौका को
भंगार वाले को 60 करोड़ में बेचने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी ने निषेध किया। 10 दिसंबर 2013 को एक प्रतीकात्मक सिंबोलिक निधि संकलन का कार्यक्रम हमने सिर्फ एक कार्यक्रम किया, 11,000 रुपए इकट्ठे हुए। और आज 10 साल के बाद में शिवसेना नेता संजय राउत कहते हैं कि फिर तुम्हें 58 करोड़ चुराए, उसमें से 4 बिल्डर के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने बेटे की कंपनी में ट्रांसफर किए। इसके पहले भी 2 महीने में संजय राउत ने 7 आरोप लगाए, एक का भी एविडेंस नहीं। मुंबई पुलिस के पास एक कागज नहीं है। शिकायतकर्ता बोलता है कि संजय राउत के प्रेस स्टेटमेंट को लेकर हम आए। राउत साहब, 17 दिसंबर 2013 को जब हम राष्ट्रपति जी को मिले थे, राज्यपाल के पास हम लोग गए थे, तब राष्ट्रपति जी के पास में शिवसेना के बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे जी के साथ में थे, तब भी हमने राष्ट्रपति जी को ये बात की थी, ठाकरे सरकार के घोटालेबाजों पर अंतिम कार्रवाई होने तक किरीट सोमैया दबेगा नहीं, हटेगा नहीं, हम उच्च न्यायालय में सब जानकारी रखेंगे। आणि आता पाहूया पुढची बातमी, बातमी आहे औरंगाबाद मधून। ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत हे औरंगाबाद दौऱ्यावर आले असता शहरातील भडकल गेट येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी अभिवादन केले असता त्यांनी पथकातील मुलाजवळ ढोल घेऊन वाजवण्याचा आनंद घेतला। यावेळी पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। राज्यासमोर कोळशाच्या तुटवड्याचं मोठं आव्हान सध्या आहे। राज्यामध्ये सध्या 17 दिवसांचीच वीज निर्मिती उपलब्ध असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितली आहे। कोळसा टंचाईमुळे राज्यामध्ये 3,000 मेगावॅट विजेची तूट झालेली आहे आणि राज्यामध्ये विजेची मागणी 30,000 मेगावॅट पर्यंत वाढण्याचा अंदाज ऊर्जामंत्र्यांनी वर्तवला आहे। दरम्यान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, रमजान या काळामध्ये भारनियमन टाळण्याचे प्रयत्न करणार आहे। या काळामध्ये ग्राहकांकडनं सहकार्याची अपेक्षा असून दररोज सकाळला 6 ते सकाळला 10 आणि संध्याकाळला 6 ते रात्री 10 या वेळेमध्ये वीज वाजवण्याचे आवाहन करतो असे ऊर्जा मंत्री म्हणाले। तर कोयले का शॉर्टेज क्रिएट हुआ है, ये पहली बार नहीं तो दूसरी बार क्रिएट हुआ है, और वो कोयले के वजह से हर प्लांट के अंदर 1.5 दिन का 2 दिन का 3 दिन का ऐसा कोयला यहाँ पर उपलब्ध है, और साथ में बरसात आने वाली है, बरसात पे हमें स्टॉक करना पड़ता कोयले का, वो भी उसके लिए भी कोयला लगने वाला है। ये स्थिति के वजह से यहाँ पर बिजली मिलना थोड़ी सी दुश्वार हो गई है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे स्टेशन है, हाइड्रो पावर में कोयना में 17 TMC पानी अभी है। हर रोज अगर बिजली हम बनाते हैं तो उसको 1 TMC पानी लगता है, तो 17 दिन का ही बिजली हमको मिलेगा। साथ में जो बिजली के प्लांट चल रहे हैं वो फुल स्विंग में नहीं चल पाते कोयले के वजह से, इसलिए ओपन मार्केट से भी बिजली अगर हम खरीदने जाते हैं तो बिजली अवेलेबल नहीं है, और उसके वजह से भी हमको असर पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेकर अगर हमने देश का अगर विचार किया तो देश में आंध्र प्रदेश ने 50% कट लगा दी है बिजली के ऊपर, और गुजरात ने एक दिन पूरी तरह से इंडस्ट्रीज का सप्लाई बंद कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि रमजान ईद चल रही है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को है, ये सब हम समझते हैं। दीपावली हमको लोड शेडिंग का प्रोटोकॉल बना कर दिया है, वो प्रोटोकॉल के अनुसार जहाँ पे सबसे ज्यादा लॉसेस है, जहाँ पे रिकवरी नहीं है हमारी, और जहाँ चोरियां बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, ऐसी जगह पर हम यहाँ पर लोड शेडिंग चालू किए हैं। साथ में हमें ग्रामीण विकास और नगर विकास का भी पैसा मिलना अभी बाकी है, जो कि 9,000 करोड़ है, और पब्लिक में भी
हम जब जाते हैं तो पब्लिक से भी हमें जिस प्रकार से भुगतान होना चाहिए, जब बिजली आप यूज करते हैं उसका वापर करते हैं तो ऐसे वक्त बिजली का बिल भरना भी नहायत जरूरी होता है। तो मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से तमाम महाराष्ट्र की जनता को कि वे अपना बिजली का भुगतान समय पर करें, क्योंकि सारे तरह का ड्रामा हम कर सकते हैं लेकिन पैसे का ड्रामा हम नहीं कर सकते हैं। पैसा आखिर पैसा ही होता है और पैसे के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। आज ओपन मार्केट से बिजली खरीदने भी हम जाते हैं तो 6.5 रुपए से 12 रुपए तक के पर यूनिट उसका चार्ज हमें देना पड़ता है, और ऐसे वक्त हमारे पास पैसा नहीं होने के वजह से हम जो कर्जा लिया था वो कर्जा दूसरे बैंकों से उसका फेरफार करके हमने इंटरेस्ट कम करके 3500 करोड़ तो जमा लिया। बजट में जो बजटेड अमाउंट था वो महाराष्ट्र सरकार ने हमको दी है, लेकिन फिर भी ग्रामीण विकास और नगर विकास का पैसा अभी आना बाकी है। वो आ जाता है तो पैसे की हमारी जरूरत थोड़ी सी कम हो जाएगी और उससे मदद मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश है महाविकास सरकार की कि हम लोड शेडिंग नहीं करें, लेकिन कभी कभी मजबूर हो जाना पड़ता तो मजबूरी में हमें लोड शेडिंग कहीं करनी पड़ती है, तो उसका प्रोटोकॉल जो MERC ने लिया है उसके तहत हम लोड शेडिंग। आणि या प्रादेशिक बातमीपत्रामध्ये तुर्तास वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। पुढील बातम्यांसाठी आणि नवनवीन ताज्या अपडेट्ससाठी पाहत रहा महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार। एक बेहतर भविष्य की शुरुआत एबिलिटी EV के साथ। मध्य भारत के नागपुर शहर में शुरू हो चुका है भव्य इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट अध्ययन मोटोकार प्राइवेट लिमिटेड। अपने शहर या तालुका में डीलरशिप प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 7774012346 और 9422180081। हमारा पता B139 बुट्टीबोरी MIDC नागपुर। हमारी वेबसाइट www.abilityev.com।